मगध विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार, सेशन लेट और डिग्री मिलने में विलम्ब होने से छात्र छात्राएं काफी आक्रोश में हैं। इसी को लेकर मगध विश्वविद्यालय छात्र जेडीयू जिलाध्यक्ष उत्तम कुशवाहा के नेतृत्व में एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च गया के गया कॉलेज से निकलकर मिर्जा गालिब कॉलेज, गांधी मैदान, समरनाले होते हुए टावर चौक तक पहुंची। वहीं मिर्जा गालिब कॉलेज, राय काशीनाथ मोर, समरनाले एवं टावर चौक पर राज्यपाल फागू चौहान का पुतला दहन किया। इस पैदल मार्च में हजारों छात्र शामिल हुए। इस मौके पर छात्र जेडीयू जिलाध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इससे चार वर्ष से सेशन लेट चल रहा है, डिग्रियां नहीं मिल रही है, इसका सारा जिम्मेवार राज्यपाल है। राज्यपाल के द्वारा मगध विश्वविद्यालय कोई भी अस्थायी कुलपति नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रभारी कुलपति को पावर नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण सेशन लेट हो रही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर गया कॉलेज, गांधी मैदान और कोर्ट से टावर चौक तक विशाल पैदल मार्च निकाला गया है। इस दौरान जगह जगह पर कई पुतले भी फूके गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी मगध विश्वविद्यालय सेशन लेट लतीफ का रवैया अपनाता है तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 7 दिन का समय दिया जाता है, नहीं तो राज्यपाल को भी अपने आवास से निकलने नहीं देंगे, जिसको लेकर हमें जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो धन्यवाद, पहली बार इतना मीडिया मगध विश्वविद्यालय समस्याओं को लेकर आप सभी एकजुट होकर इसको पकड़ लो यार, इस पैदल मार्च को सफल बनाने के लिए आप सभी हैं। पहले सभी को धन्यवाद। आज जनता दल यूनाइटेड के तरफ से गया कॉलेज टावर चौक से लेकर आक्रोश मार्च, पैदल मार्च यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित है। इसमें हम लोगों ने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का चार जगह पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा है। आप सभी जानते हैं कि जितना भी विश्वविद्यालय की जो विश्वविद्यालय की समस्या है वो राज्यपाल के हाथों में है। राज्यपाल नहीं चाह रहा है कि बिहार का बच्चा बेटा, गया के मगध का बेटा पढ़े और डिग्री प्राप्त हो। कहीं ना कहीं हम सभी को जैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की राजनीति भी है इसमें कि बिहार के बच्चों को पढ़े मत दो, डिग्री लेवे मत दो। आपको बता दें 2020 के बाद बिहार में मगध में ग्रेजुएशन को पास नहीं किया है, यानी समझ लीजिए जो 2 साल UPSC में जो बच्चे पास किए अप्लाई किए होंगे उसमें बिहार के ज्यादातर बच्चे नहीं मौजूद हुए। इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि केंद्र वाले को बिहार से दिक्कत है। सबको जानता है कि बिहार में बिहार का बच्चा, बिहार का छात्र सबसे ज्यादा UPSC में नंबर 1 रैंक लाता है और हर साल टॉपर होता है, तो इससे केंद्र वाले को तकलीफ हो रहा है। हम आग्रह कर रहे हैं राज्यपाल से, निवेदन कर रहे हैं, अगर 1 हफ्ता के अंदर जितनी भी लंबित परिणाम है उसको जारी नहीं किया गया और जितने भी परीक्षाएं लंबित है उसको शेड्यूल जारी नहीं किया गया और राज्यपाल के द्वारा अस्थायी BCA कुलपति नहीं भेजा गया रजिस्ट्रार, तो राजभवन को लाखों की संख्या में मिलेगी। अपना परिचय बता दीजिए। यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा, छात्र जदयू मगध विश्वविद्यालय। उत्तम भैया जिंदाबाद। जय जय मैं मांगे, जय 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 जय। सारे लोग शांतिपूर्ण बैठेंगे। राजपाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजपाल सर्व करो। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।